हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको अपने चैनल पे फिर से। और अभी तक दोस्तों आपने बहुत ही सपोर्ट और प्यार बना के रखा है, तो बहुत ही अच्छी लगती है चीज और काम करने का मन भी लगता है। इसी बेसिस पे हम लोग डेली प्रैक्टिस करती है हमारी टीम काफी एनालिसिस के बाद आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी लेके आती है, ताकि आपका जो भी लॉस हुआ हो, जो भी बैड डे में आप लॉस की वजह से काफी डिप्रेस हुए हो, काफी नुकसान हुआ हो आपका, इन सारी चीजों को कवर करने के लिए। क्योंकि देखिए, ये चीज मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मेरे साथ। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि बिगिनर लेवल मेरा भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और इतना हुआ था कि मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट हुआ। तो जिसकी वजह से देखिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आप डिप्रेस हो जाओगे, टेंशन में रहोगे, रात भर सो नहीं पाओगे, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे, तो कई सारी कंडीशन है, ये सारी चीजें आपके साथ होती रहेंगी। ठीक है, इसमें कोई न्यू चीज नहीं है। मैं कल कहीं ट्रेडिंग की बात छोड़ देता हूँ। ट्रेडिंग छोड़ के अगर आप कुछ भी करते हो इन लाइफ, तो दो रिजल्ट एकदम फिक्स होते हैं। फर्स्ट होता है या तो प्रॉफिट, या तो सेकंड होता है लॉस। दो में से एक चीज को ही अचीव करोगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं। तो फिक्स है, अगर आपने बिगनिंग में अगर आपने लॉस को अचीव कर लिया, तो अगर आप वहीं से छोड़ के चले जाते हो, फिर से आप नहीं आते हो उस फील्ड में यानी ट्रेडिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना लॉस आप हो जाओ, ये चीज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्रेडर बनना है, तो लॉस किए हो आपको सीख के काम करना है, बिना मतलब वो लॉस ही आपको बहुत कुछ सिखा के जाए। एक चीज और मेंशन कर लीजिएगा, जब तक आपका लॉस नहीं होगा आप कुछ भी सीखने वाले नहीं। किसी भी सेक्टर की मैं बात कर लूँ कि अगर आप उस सेक्टर में आपका लॉस नहीं हुआ है, तो एक चीज मेंशन कर लीजिए, आपका नुकसान नहीं हुआ है, आप डिप्रेस नहीं। इन फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो आपका लॉस होगा, और आप चाहे नुकसान होगा, चाहे अनकंडीशनल कंडीशन आ जाएगी, अनकंडीशनल सिचुएशन आ जाएगी, जिसकी वजह से आप काफी अपना मेंटेलिटी खो सकते हो, काफी चीजों को आप नेगेटिविटी ले सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके साथ होती रहेंगी। ठीक है, तो अगर आपने लॉस किया तो आपको डिप्रेस नहीं करना, लेकिन आपको लॉस से सीखना पड़े। ठीक है, तो इसी बेसिस पे दोस्त मैं एक न्यू स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, क्योंकि मैं देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान से स्ट्रेटेजी लेके आता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। मतलब इस स्ट्रेटेजी को शेयर फॉर्म से पहले कैसे आपको ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है, कितने मिनट का ट्रेड लेना है, ये सारी चीजें आपके शेयर करने से पहले मैं फर्स्ट थिंग मेंशन कर दूं कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% आप मेरे चैनल से या कहीं से भी कुछ भी सीखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी सीखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्क करना पड़ेगा एक ही चीज की। पहले आप डीमैट अकाउंट पे उसको करिए, मैं बार बार बोलता हूँ, नहीं तो फिर एक चीज मैं फिर से बता दूं, 10 करोड़ 10 अरब भी रख लीजिए, तो मार्केट के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये इसको खत्म करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेटेजी। दो लाइनें दिख रही होंगी चार्ट पे, आप सिंपल सी लाइनें दिख रही होंगी, दो SMA है, एक का पीरियड 4 रखा गया है जो येलो वाली लाइन, और एक का SMA 30 रखा हुआ है। ठीक है, आपका विजुलाइजेशन क्लियर होना से चलिए पिन कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक, कोई दिक्कत। देखिए चार्ट का टाइम फ्रेम आपको 1 मिनट लेना है, ट्रेड का टाइम 1 से 2 लेना है। ठीक, अब आपको ट्रेड कैसे लेना, कैसे सेटअप करना है वो बता दो। कैंडल पे जाइएगा, जैपनीज कैंडलस्टिक रखिएगा कैंडल। ठीक है, चार्ट का टाइम 1 मिनट रखिएगा और ट्रेड टाइम 1 से। ठीक है, अब चले आएंगे ये वाले सिंबल पे, हम लोग यहाँ पे हमें मिलेगा SMA क्लिक किया फर्स्ट होगा, फिर से एक बार ओपन इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक करिए और सेकंड SMA को क्लिक करिए, और देखिए SMA के फर्स्ट वाले पीरियड को कर देंगे हम वो कर देता हूँ, और एक थिकनेस बढ़ाने वाले डॉट थिकनेस सेकंड SMA को कर देंगे हम 30। कलर आप अपने हिसाब से कर लीजिए, ये सिंपल सा सेटअप होने वाला है हमारा। ठीक है, देखिए मैं अब सिंपल से बात करूंगा आप ट्रेड कैसे। ये जो SMA वाली लाइन है, पहले मैं आपको डायरेक्शन के ट्रेड के बारे में, SMA वाली पिंक वाली लाइन है, ये लाइन जैसे ही ब्लू वाली लाइन को कट करके अपवर्ड डायरेक्शन की जाएगी, वैसे ही हम 1 से 2 मिनट का अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लेना है। ठीक है, एक कैंडल ग्रीन बनी, दूसरी कैंडल भी देते दूसरी ग्रीन बनी, उसके बाद ट्रेड प्लेस कर दीजिए, आराम से 1 से 2 मिनट का अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड ले लीजिए। जैसे ही इस पिंक वाली लाइन जो है, ये ब्लू वाली लाइन को यानी SMA 4 वाले SMA 30 वाली लाइन क्रॉस करके नीचे आती है, 2 कैंडल रेड बना, आराम से ट्रेड ले लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट मिला हमें क्रॉस करती, और एक चीज और, जो कैंडल क्रॉस करेगी लाइन को उससे ट्रेंड मत लीजिएगा, उससे अगली वाली कैंडल देखिएगा, टच होगा लाइन में तो चलेगा, बस क्रॉस नहीं। इस पे कैंडल हम ले लेते हैं ट्रेड 1 से 2 मिनट का आराम से गिन कर। यहाँ भी देखिए इस वाले कैंडल पे आप ट्रेड लेते हैं, आराम से गिन कर जाते। यहाँ भी देखिए मूवमेंट कितना बढ़िया मिला, क्रॉस सेक्शन मिला, इस वाले कैंडल पे ट्रेड प्लेस करते हैं। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई भी असिस्ट कुछ भी ले लीजिए। देखिए जैसे ही ये ऊपर से नीचे की ओर कट करेगी SMA 4 वाली लाइन यानी पिंक वाली लाइन, SMA 30 वाली लाइन को, तो डाउन का ट्रेड लेना है, और जो कैंडल क्रॉस करेगा उस पर ट्रेड नहीं लोगे अभी वाली कैंडल में, कोई और असिस्ट भी ले लेते हैं कहीं भी करेंसी में, असिस्ट में, इंडेक्स में, कहीं भी कराएंगे।
ये कितना बढ़िया मोमेंट मिला, क्रॉस ऊपर से नीचे की ओर गया आराम से ट्रेड मिला, नीचे से ऊपर की ओर गया आराम से ट्रेड मिला। तो सिर्फ क्रॉस सेक्शन पे ही ट्रेड लेना है इस स्ट्रेटेजी के थ्रू। बस आपको ये याद रखना है SMA 4 वाली लाइन जो SMA 30 वाली लाइन को क्रॉस करेगी ऊपर या नीचे तभी आपको ट्रेड लेना है। जब तक क्रॉस सेक्शन नहीं मिलेगा आप ट्रेड नहीं ले, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत आसान स्ट्रेटेजी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक और शेयर जरूर कर, अभी के लिए इतना मेहनत हो रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।